नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार आज देश में सबसे आगे है। सरकार जीविका, लड़कियों को पोशाक, कन्या उत्थान योजना सहित कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे नारी सशक्त हो रही है। सरकार लड़कियों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। इंटर पास करने पर 10,000 और ग्रेजुएट बनने पर 25,000 रुपए दे रही है। इन सबका फायदा ये हुआ कि बिहार के स्कूलों में लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और आज लड़कों को ये लड़कियां टक्कर दे रही हैं। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट पर नजर डाली जाए तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक संख्या में पास हो रही हैं। वहीं सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौकरियों में आरक्षण भी दे रही है जिसका फायदा आज सभी महिलाएं उठा रही हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं शिक्षा, पुलिस सहित कई विभागों में काम करके देश के साथ साथ राज्य का नाम भी रोशन कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय में महिला सशक्तिकरण पर खूब जोर दिया। वैसे तो वो पहले से ही स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल और पोशाक योजनाएं चला रहे हैं जिसका लाभ भी उन्हें 2010 के विधानसभा चुनाव में मिला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मुख्य विपक्षी दल राजद उस बार 30 से भी नीचे पहुंच गया था। वहीं 2010 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होंने शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित कर दिया। आज हजारों की संख्या में महिलाएं बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस सहित अन्य विभागों में भी आरक्षण लागू कर दिया। हालांकि 2015 के चुनाव में एनडीए से अलग होकर उन्होंने लालू की राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाई और उन्होंने इन मुद्दों को भी खूब भुनाया। बिहार की जनता ने भी उनके कामों पर मुहर लगा दी और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जबरदस्त जीत दर्ज की। आरक्षण का फायदा ये हुआ कि आज महिलाएं बिहार की सुरक्षा में दिन रात लगी हुई हैं। सिपाही से लेकर उच्च पदों पर ये सभी महिलाएं काबिज हैं। इसके अलावा सरकार ने जीविका समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सबल बनाने की दिशा में काम किया है। जीविका समूहों के माध्यम से कई स्वयंसेवी संस्थाएं आज भी काम कर रही हैं, जहां हजारों महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन यहां योजना अभी तक हर जिले में गांव तक नहीं पहुंच पाया है। सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान तो दिया है, लेकिन हर गांव तक ये योजना पहुंचे इसे लेकर विशेष अभियान चलाने की जरूरत दिख रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।